Here it comes. हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द रेट्रो गाइज। मैं हूं आज का आपका होस्ट दिव्यनी सर, एंड आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए डेली ब्लॉग्स, डेली अपडेट्स, डेली ऑब्जर्वेशन। नॉट स्पेसिफिकली कुछ नाम नहीं दिया इसको, बट या उसी में वेलकम करने की कोशिश कर। एंड या दिस इज पेड प्रमोशंस बाय मी माई सेल्फ एंड आई। ठीक है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। चलो ज़्यादा बकवास नहीं, अभी वीडियो में चलते। लेफ्ट में देख रहे हो ना, वो वन वे है। तो जितने भी आगे से जितने भी रिक्शाज आए ना, वो सारे रॉन्ग वे से आए, फ्लाईओवर पे वन वे में उल्टा आ रहे हैं। बहुत डेरिंग है उनमें यार। इंग्लिश में छोड़ दो, देखो इसकी दो चीजें है। एक तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है नहीं यहाँ पर, दूसरा जैसे अभी रिक्शा वालों को सब लोगों को लेफ्ट जाना था, वैसे वो वन वे था, वो चीज़ वो जो लेफ्ट में जा रहे थे बराबर वो वन वे था। तुम जा रहे हो जाओ, इंडिकेटर दो, मेरे को तो पता चले कि तुमको जाना है। तो ये वो चीज़ है कि मैं सिर्फ अपना एज अ बाइकर पर्सपेक्टिव नहीं बताऊँगा, मैं एज अ पेडेस्ट्रियन का भी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि ये भी होता है पेडेस्ट्रियंस के साथ, ये भी जो होती है। हर बार सिर्फ ब्लेम कर देना सामने वाले को, ये गलत है। नीचे उतरने वाला कोई सिग्नल, अरे उसने तो दिया, रिक्शा दे दिया था, ये भी दे रहा है। मेरे पीछे वाला नहीं दिया, मतलब जो मेरे लेफ्ट में था। आई एम ग्लैड टू सी पीपल वेयरिंग टू हेलमेट। बाकी नो हेलमेट वालों की तो बात ही नहीं करनी। अरे इन्होंने बहुत अच्छा हैंडल कर दिया, उनके सामने एक जो आया था बिना देश से जुड़ी लोग क्रॉस कर देते ना यार, मन में तो इतना सब कुछ आता ना, जुबान तो नहीं लाता। कोई नहीं सुधरेगा। This रिक्शा गाय could have stopped, literally could have stopped। वो मैडम जा रहे थे, जाने दे सकता था, बट लिटरली these people being asshole, being asshole। ये भी भैया देखो, हेलमेट पीछे रखा हुआ है। ओहो, निकाला फोन, निकाला निकाला निकाला। That's what we called left, right, left। भैया यहाँ पर आके हेलमेट पहनते हुए, बिकॉज यहाँ पर तो आप सोते हैं, घर से निकलते ही पहन लेना भाई। अभी स्ट्रैप तो उसका बंद हो नहीं पाएगा, पता है। और स्ट्रैप बंद ना होने का भी उतना ही बड़ा फाइन है जितना ना हेलमेट पहनना है। तो तुम बेसिकली हेलमेट ना पहनो तो भी तुम्हें वही फाइन लगने वाला है। And you understand, right? वैसे double helmet mandatory हो गया है मुंबई में, and I feel that थाने में भी है ही। A lot of people are wearing and a lot of them are not wearing। इससे अभी हुआ ये है, जो दोनों नहीं पहन रहे थे, अभी धीरे धीरे एटलीस्ट एक जो ड्राइवर जो है, राइडर जो है, उसने पहनना शुरू कर दिया है। बट फिर ऐसे कुछ स्पेसिमेंट्स मिल ही जाते हैं, जैसे आगे वो रेड कलर की एक्टिवा प्लेजर, वॉट एवर इट इज़, तो वो नहीं पहनने वाले तो नहीं पहनने वाले। तो उन स्पेसिमेंट्स का तो
भगवान ही मालिक है। ऐसे सर उठा के ऐसे चलेंगे ऐसे कहाँ के राजा है, राजा है तो मुकुट नहीं है। आपकी लाइट अपर बीम पे है, नीचे कर दो ना सर। आपकी लाइट है ना अपर बीम पे, थोड़ा नीचे कर दो ना लाइट। प्रॉब्ली अ कॉप, मिरर में मेरे को ज़्यादा ही रिफ्लेक्शन आ रहा है और मे बी वो लाइट है ही उनका थोड़ा ऊपर एडजस्टेड, मेरे को मिरर में दिख ही रहा है। नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट हेलो। कितने उतार ऐसे ऐसे देख कर जाते हैं। एनी विच वे आई वाज स्टैंडिंग साइड में, आराम से इतना जगह था, एनी वन वुड हैव कैन गॉन। इधर रास्ते में दिख गया ना वो, रोड रैश करके जाऊंगा। अभी यहाँ पर जाके ट्रैफिक करने वाले, फिर वापस ऐसे यहाँ पर आएंगे मेरे बीच में, उससे अच्छा शांति से यहीं पर रुक जाते। सीरियस नाउ आई टोल्ड यू। तो कैसा लगा वीडियो? ये सच बताओ तो सिर्फ एक ही दिन में पूरा एडिट करके रेडी किया। ऑब्वियसली क्लिप्स जो है वो बहुत पहले से सेग्रीगेटेड सॉर्टेड सब कुछ था, बट दिस वॉज अ वन डे एफर्ट सिंगल डे, बिकॉज मेरे को एक ही दिन मिलता आजकल छुट्टी। जस्ट बताओ मेरे को यार कैसा लगा, एंड यू नो द रेगुलर रिचुअल्स, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो मेरे किसी भी वीडियो में। ठीक है, एनी विच वेज मेरा तो काम है बोलना, आपका काम है करना नहीं करना। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो, कुछ तो करो।